नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के रीडिंग के जो टॉपिक हैं वो कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किए हैं, डिफरेंट देश पर कई सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर रिक्वेस्ट किया है। टॉपिक है लेटर, लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन। ओके, आपके पर्सन की तरफ से आप लोगों के लिए लव लेटर, वो मैं चैनल करने वाली हूँ, चैनलिंग करेंगे। और यहाँ पर कुछ चैनल मैसेजेस हैं इस बॉक्स में, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, वो हम लास्ट में देखेंगे। ओके, उससे पहले मैं टैरो कार्ड से देखूँगी। एंड या वन मोर थिंग, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। और एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके सामने आपने कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, इनडायरेक्टली भी नहीं किया, या फिर उस शख्स ने भी कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, इनडायरेक्टली भी नहीं किया, और आप श्योर ही नहीं है कि वो इंसान आपको पसंद करते हैं भी हैं या नहीं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम लव मैसेजेस रिसीव करेंगे। ओके, आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, अगर आप श्योर ही नहीं है कि वो इंसान आपको पसंद करते भी हैं या नहीं, तो ये वीडियो देखना तो आपके लिए वेस्ट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो लव मैसेजेस आएगा ही आएगा, है ना, इसीलिए, ठीक है। तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। सो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, दो हार्ट्स हैं, आपको जो भी हार्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर वन, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है, लव लेटर में वो क्या लिखेंगे आज आपके लिए, ठीक है। चैनलिंग करेंगे बेसिकली, हम लव मैसेजेस हम देखेंगे। ओके, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, फॉर ऑप्शन नंबर वन, प्लीज़ मुझे बताइएगा इन द सेंस स्प्रेड गाइस, थैंक यू। ऑप्शन वन के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के 3D सेल्फ, ऑप्शन वन के व्यूअर्स को इस लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन वन के व्यूअर्स के जितने भी लाइक लवर्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, ऑप्शन नंबर वन के व्यूअर्स के जितने भी पार्टनर्स हैं, 3D सेल्फ, उनका 3D सेल्फ इस लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं। 3D सेल्फ, यहाँ पर मैं हायर सेल्फ के मैसेजेस नहीं लूँगी, 3D सेल्फ क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन वन के व्यूअर्स के जितने भी पार्टनर्स हैं उनका 3D सेल्फ मेरे व्यूअर्स को इस लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं, थैंक यू। मुस्कुराते रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, और साथ ही साथ आपके पर्सन इस लव लेटर में आपको ये भी कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आपके वजह से आ जाता है, चाहे आप दोनों बातचीत कर रहे हो या नो कॉन्टेक्ट जोन हो। अगर नो कॉन्टेक्ट जोन है तो ओल्ड मैसेजेस को या पढ़ के या फिर पुराने जो भी आप दोनों ने एक साथ अच्छे वक्त बिताए थे उसे याद करके आपके पर्सन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके पर्सन आपको ये भी कह रहे हैं कि मुझे याद किया करो, क्योंकि वो आपको मिस करते हैं, तो वो श्योर नहीं है कि आप उन्हें मिस करते भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, थैंक यू। नाइन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैंने सही कहा था, सही सुना था मैंने। ओके, ऑप्शन वन के व्यूअर्स के जितने भी पार्टनर्स हैं उनका 3D सेल्फ इस लव लेटर में मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। आपके पर्सन आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि मैंने एक्शन का रिएक्शन दिया है, कुछ ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है, मैंने एक्शन का रिएक्शन दिया है। अगर आप दोनों के बीच कोई भी नोकझोंक हुआ था तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कह रहे हैं कि इसमें मेरे अकेले का गलती नहीं है, आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया मैंने उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड किया, आपको आपने जो बोला उसी का ही रिस्पॉन्स आपको मुझसे मिला। ये है पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ऑप्शन वन के व्यूअर्स के पर्सन का 3D सेल्फ इस लव लेटर में मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मैं इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज भी हूँ, सच क्या है झूठ क्या है समझना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स, थैंक यू। टेम्परेंस, बॉटम तो देखें आपके लिए 2 of Cups, वाओ ब्यूटीफुल लव लेटर एंड 2 of Cups, वेरी नाइस। ओके, सो आपके पार्टनर यहाँ लव लेटर में आपको क्या कहना चाहते हैं,
ऑप्शन वन के व्यूअर्स को उनके पार्टनर इस लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं, मैं फोकस कर देती हूँ थोड़ा सा, आई होप कि आप लोगों को दिखे अच्छे से पिक्चर्स। या आपके पर्सन यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं, मुझे आप मिस्टीरियस लगते हो, मुझे आप मिस्टीरियस लगते हो, आई डोंट नो व्हाई, मुझे मैं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करता हूँ या करती हूँ। आप लोग अपने पर्सन के जेंडर के हिसाब से देखिएगा, ये करता हूँ करती हूँ ये बार बार बोलने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं जो मुझे कंफर्टेबल लगे मैं उस हिसाब से बोलूँगी, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा आप अपने पार्टनर के जेंडर के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। ओके ओके रिमेंबर मी, बार बार ये चीज़ आ रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं इस लव लेटर में, मुझे तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसे इंसान हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, और वो सब कुछ है तुम्हारे पास, ब्यूटी है, ब्रेन है, मनी है, अबंडेंस है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास इतना है कि तुम दूसरों को भी दे सकते हो और शायद तुम देते भी हो। तुम्हारे सामने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अंदर कमियां हैं। हाँ ये अलग बात है कि मैं बताता नहीं हूँ या बताती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मुझे फील होता है कि मेरे अंदर कमियां हैं। तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अपने आप को बहुत पसंद करते हो, और ये बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, अपने आप को पसंद करना, अपने आप को प्यार करना, सबसे ज़्यादा खुद को प्यार करना। तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो। ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, इन अ पॉजिटिव वे में ये बात बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपने आप पर बहुत प्राउड फील करते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि ये काम मैं खुद नहीं कर पाता। मुझे हमेशा अपने अंदर कुछ ना कुछ कमी खलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, मैं कभी भी अपने पॉजिटिव साइड को खुलकर देख ही नहीं पा रहा हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरे अंदर वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे मैं खास बनता हूँ, जिससे मुझे ये फील हो कि हाँ मैं भी परफेक्ट हूँ। हालांकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, बट फिर भी नो डाउट मेरा लुक अच्छा है, नो डाउट मेरा पर्सनैलिटी अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी और बहुत कुछ होता है इंसान के अंदर, जो इनर ब्यूटी होता है। मुझे अपने अंदर वो कमी खलता है कि मैं बाहर से तो खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, लेकिन शायद अंदर से मैं उतना कंप्लीट नहीं हूँ। मुझे तुम बहुत ही मैच्योर्ड इंसान लगते हो, बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही वाइज, एक ऐसे इंसान जो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लविंग है, जो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर से कितना खूबसूरत दिखते हो, खूबसूरती का मतलब ये है कि तुम अंदर से कितना खूबसूरत हो। मैं बता नहीं पाता हूँ ये सभी बातें, क्योंकि कभी मैंने किसी को भी इस तरह से खुलकर बात बताया नहीं है, किसी भी इंसान को मैंने इस तरह से फील नहीं किया है जिस तरह से मैंने तुम्हें फील किया है, इसीलिए ये सब बातें बताना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है। हाँ ये अलग बात है कि मैंने फ्लर्ट बहुत किए हैं, फ्लर्ट करते वक्त हम अक्सर तारीफें कर देते हैं, झूठ मूठ के तारीफें भी हम कर देते हैं, लेकिन जो दिल से फील होता है किसी इंसान के लिए वो मुझे सिर्फ तुमसे फील होता है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ, ये सब बातें मैंने आज तक कभी किसी और के लिए फील नहीं किया है। शायद तुम्हें लगता है कि मैं घमंडी हूँ, शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही एरोगेंट इंसान हूँ, बट एक्चुअल में वैसा नहीं हूँ। सोसाइटी वालों ने, मेरे घर वालों ने जिस तरह से प्रोग्रामिंग किया है मेरा, जिस तरह से बड़ा किया है मुझे, शायद यही एक रीज़न है कि मैं खुलकर ओपन अप नहीं हो पाता हूँ, खुलकर इस तरह की बातें बोल नहीं पाता हूँ,
जो इंटेंस लेवल का होता है, जो इंटेंस लेवल का जो फीलिंग्स होते हैं वो मैं खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। अभी हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा है कि तुम किसी और तरफ देख रहे हो, मैं किसी और तरफ देख रहा हूँ। मेरा ध्यान मानो कहीं और ही भटका हुआ सा है, क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि हम दोनों का कनेक्शन कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। मुझे पता है कि तुम मुझे लेकर बहुत होपफुल हो, बहुत होप रखते हो, बहुत प्यार करते हो, आई नो दैट। लेकिन मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त, इस दौरान हमारे कनेक्शन में, इस बॉन्डिंग में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा फील होता है जैसे कि कोई डिवाइन पावर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई डिवाइन पावर हमें सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता है। मैं हर वक्त अलर्ट रहता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है हमारे लाइफ में, चल क्या रहा है हमारे लाइफ में। जो भी चीज़ें होता है मैं उसे डिकोड करने की कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इस एनर्जी से निकलना चाहता हूँ और निकल भी जाऊँगा जैसे ही मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आता है मेरे ऊपर, मुझे पता है तुम भी मेरे ऊपर नज़र रखते हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने आदत से मजबूर हूँ। बट यकीन मानो वो वक्त दूर नहीं है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तुम अभी जो भी कर रहे हो वो करते जाओ। थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन वन के व्यूअर्स के पर्सन का लव मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस लव लेटर में वो और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। मुझे एक मैसेज मिल रहा है, आपके पर्सन आपको कहना चाहता है कि तुम्हारा और मेरा मिलने का वक्त आ गया है, सब्र करो, मिलने का वक्त आ गया है, सब्र करो। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, थैंक यू, या फिर कॉन्टेक्ट जोन में है भी तो भी फिजिकली काफ़ी डिस्टेंस में है। मैं तुमसे सच नहीं बोल पा रहा हूँ या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सो कन्फ्यूज, मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। मैंने बोला था ना ये चीज़ लव लेटर में आया था कि वो कन्फ्यूज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई वॉन्ट न्यू बिगिनिंग विथ यू, वो आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। आई सो यू इन माई ड्रीम्स, वो आपके लाइक ओके आपके सपने में बोलने वाली थी कि वो आपके सपनों में आते हैं, डेफिनेटली आते होंगे, लेकिन फिलहाल आपके पर्सन के ड्रीम्स में आप आ रहे हैं। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, तो उन्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो इजीली लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई हैव नेवर मेट समवन एज ब्यूटीफुल एज यू, सी मैंने बोला था ना, जो चीज़ें मैंने बोला था वो सेम चीज़ें यहाँ इस चिट पर भी आया है। ओके सो ये रहे आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस, पॉजिटिव रहेगा, होपफुल रहेगा, और आप जो भी कर रहे हैं वो करते जाएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके बाय। हाय ऑप्शन नंबर टू, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से इस लव लेटर में कौन से मैसेजेस हैं। अगेन मैं बता देना चाहती हूँ ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको लगता है कि हाँ ये इंसान मुझे पसंद करता है या करती है। ओके ये उन्हीं के लिए है, ये उनके लिए नहीं है जिनको बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि इंसान आपको पसंद करते भी है या नहीं। ओके और उस इंसान को भी पता नहीं है कि आप उन्हें पसंद करते भी हैं या नहीं, तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर लव मैसेजेस आएंगे। ओके तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, लेट्स सी। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्प्रेड गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर टू को चूज़ किया है उनके पर्सन का 3D सेल्फ की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं इस लव लेटर में, वो क्या कहना चाहते हैं। 3D सेल्फ के मैसेजेस हम रिसीव करेंगे, प्लीज मैंने मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर टू।
वो कह रहे हैं कि जिंदगी एक जुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन टू के व्यूअर्स के पर्सन इस लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पर्सन का मुझे एक और मैसेज मिल रहा है इस लव लेटर में। वो आपके लिए, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस फील करते हैं, बहुत इंटेंसिटी है इसमें। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन टू के व्यूअर्स के पर्सन इस लव लेटर में क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं इस लव लेटर में कि मैं तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए मुश्किल है, तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए मुश्किल है, तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए मुश्किल है। ऑप्शन वन। ओके, यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्स। ऑप्शन वन के व्यूअर्स भी हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कभी कभी मुझे हैरानी होती है तुम्हें देखकर, मुझे तुम बहुत खास लगते हो, तुम बहुत बदल भी गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, जस्टिस। थैंक यू। इस लव लेटर में ऑप्शन नंबर टू के व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। एट ऑफ वॉन्स, थैंक यू। पुराने बातें याद करके मुझे अच्छा लगता है, पुराने बातें याद करने से एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलता है। फोर ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुम्हें ठीक से पहचाना नहीं, अब यकीन हो रहा है। हाँ, मुझे भी इश्क हुआ है, मुझे कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्स। ऑप्शन टू के व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से कौन से लव मैसेजेस है इस लव लेटर में? उनका 3D सेल्फ क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सॉरी अगर ट्राइपॉड हिल रहा है, मेरा हाथ लगकर हिल जाता है बीच बीच में, आई एम सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं वो इस लव लेटर में फॉर ऑप्शन नंबर टू? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पा रहा हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है ये सिचुएशन हैंडल करना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और ये बात मैं अभी फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। डेथ। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ऑप्शन वन में था किंग ऑफ, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ये का की वर्ड्स को मैनेज कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगी आपको। ओके, मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उस हिसाब से बताऊंगी। ओके, तो इस लव लेटर में आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था पास्ट में, अभी मुझे इस बात का एहसास है। मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, अभी मुझे इस बात का रिग्रेट है, पछतावा है। पता नहीं मैंने क्यों तुम्हें पहले नहीं पहचाना, नहीं जाना। मैं तुम्हें दूसरों के साथ कंपेयर करता चला गया, कंपेयर करने लगा मैं दूसरों के साथ तुमको। ऊपर वाले ने मुझे इतना खूबसूरत इंसान दिया था, लेकिन मैंने इसे पहचाना नहीं, मैंने तुमको पहचाना नहीं। मेरी बेवकूफ़ी है ये। अब ऐसा आ गया है सिचुएशन के तुम मुझसे दूर चले गए हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। मेरे सामने अभी सच आ रहा है, सच जो कल तक मैं झूठ को सच समझता था,
आज उसका सच मुझे सामने मेरे सामने आ रहा है। कल तक मैं तुम्हें रोकता था मेरी ज़िंदगी में आने से, मैं तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करता था, लेकिन अब जब तुम उससे दूर चले गए हो तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैंने ये कैसे कर दिया? अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए मुश्किल है, तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे कभी कभी बहुत घुटन महसूस होता है, मेरे सांसें रुकने लगते हैं, सांसें लेने में तकलीफ होता है। मैंने अपने हाथों से ही मानो मेरी किस्मत को ख़राब कर दिया। अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है, डर लगता है कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि तुम पूरी तरह से बदल चुके हो, तुम पूरी तरह से बदल चुके हो, तुम्हारे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, ऐसे चेंजेस जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तुम मुझे अभी पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग लगते हो, तुम मुझे अब पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, तुम मुझे अब पहले से भी ज़्यादा स्मार्ट लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगते हो। मुझे अभी ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, शायद तुम मुझे भूल गए हो, शायद तुम्हें मेरी भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो तुम्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें किसी पार्टनर की भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप में ही कंप्लीट हो। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो, कदम आगे बढ़ रहा है तुम्हारा। और ये देखकर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, तुम कितने स्ट्रांग हो। मैं तुम्हारे पास फिजिकली तो नहीं हूँ, फिज़िकली भले ही मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल जब मैं तुम्हें देखती हूँ, देखता हूँ आगे बढ़ते हुए, ग्रो करते हुए, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ बिना किसी इंसान के सपोर्ट के कोई इंसान कैसे इतना स्ट्रांग बन सकता है, ख़ासकर जिसने प्यार में दर्द देखा हो, वो इंसान इतना स्ट्रांग कैसे बन सकता है। तुम मुझे एक बहुत ही बैलेंस इंसान नज़र आते हो, बहुत ही बैलेंस, एक ऐसे इंसान जिसके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों ही बैलेंस है। मुझे तुम्हारे सपने भी आते हैं, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हारे सपने भी आते हैं। मेरी लाइफ में इस वक्त रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है, डिवाइन मेरे सामने कुछ सच्चाई सामने ला रहा है, मेरे सामने कुछ सच्चाई रिवील कर रहा है। डिवाइन मेरे सामने कुछ ऐसी बातें दिख ला रहा है मेरे सामने जिसके बारे में मैं कभी जानता भी नहीं था, जिसके बारे में मुझे कभी रियलाइज़ हुआ ही नहीं था, मैंने कभी फील भी नहीं किया था। ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने आ रहे हैं, मुझे मेरी कमियाँ नज़र आ रहा है। कल तक मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट समझता था, ये समझती थी, अभी मुझे मेरी कमियाँ नज़र आ रहा है। मैं अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ, प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, अब मुझे फील हो रहा है। इमोशनल मैच्योरिटी क्या होता है वो अब मुझे समझ में आ रहा है। पास्ट में मैंने तुम्हें जो भी बोला है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ इमेच्योर्ड वे में बिहेव किया है, मुझे तुम माफ़ कर देना। मैं हमारी कनेक्शन में एक बैलेंस चाहता हूँ, एक स्टेबिलिटी चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझे इतना इजीली अपने लाइफ में एंटर करने नहीं दोगे, बट फिर भी एक मौका ज़रूर देना, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। थैंक यू। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। सी मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ना ये चीज़,
अभी अभी चैनलिंग करते वक्त मैंने बोला था एक चीज़ कि शायद आप उन्हें उनको आने नहीं दोगे, अपने लाइफ में, कुछ ऐसा ही मैंने बोला था। याद नहीं है क्योंकि मैं चैनलिंग करते वक्त जो आता है मैं बोलती जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। ओके, आई एम सो कन्फ्यूज्ड, मुझे क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि उन्हें बहुत सी बातों के बारे में पता चल रहा है, सच्चाई नज़र आ रहा है उनके सामने। प्लीज़ स्टे विथ मी बिकॉज ऑल आई नीड इज़ यू। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ इस कनेक्शन को बनाए रखें। आई हैड अ नॉटी ड्रीम लास्ट नाइट एंड यू वेयर इन इट। मैंने बोला था ना कि उनको आपके ड्रीम्स आते हैं, तो लास्ट नाइट उन्हें आपकी ड्रीम दिखा था। ओके, और यहाँ पर आया नॉटी ड्रीम, तो डेफिनेटली थोड़ा 18 प्लस टाइप का ड्रीम होगा उनका। थैंक यू। यकीन करो, शक तो पूरी दुनिया करती है, शायद आप उन पे शक करते हो अगर ऐसा कुछ है तो। प्लीज़ अनब्लॉक्ड मी, तो यहाँ पर ऐसा है कि शायद आपने उनको ब्लॉक करके रखा है। ओके, डेस्टाइन, उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन डेस्टाइन है, मिलना तो है ही आप दोनों को, एक होना तो है ही। मैं कार्मिक कनेक्शन से बाहर निकलना चाहता हूँ। यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, दैट्स वाई इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था। ओके, बहुत से व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है, जितनों के साथ रेजोनेट नहीं करता है वो उस मैसेज को छोड़ दीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत से व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहा है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं और किसी कार्मिक की वजह से इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था, आपको रिजेक्ट किया था और अब उन्हें इस बात का गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है अभी उन्हें। ओके, तो आप जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर टू वो कंटिन्यू करते जाइए, ये इंसान खुद आएंगे, आपको जाकर उन्हें कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गलती जिसकी है वो खुद ही आएंगे आपके पास। ओके, सो ये रही आपकी रीडिंग, कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।